हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू सिक्योरिटी विजन चैनल और डीएलपी के पार्ट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करता हूं आपका सिक्योरिटी विजन चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक स्वामी है, जहां पर मैं आपके लिए डीएलपी सीरीज का पार्ट 9 लेके आने वाला हूं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डीएलपी डिस्कवरी, उसका कॉन्फिग्रेशन समझेंगे, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम समझेंगे। बहुत आसान तरीके से बोल दिया ना मैं, लेकिन अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं वो इंटरनेट पे जनरली नहीं मिलेगी आपको। इट वुड बी इन द यू नो राइटेबल फॉर्मेट, बट यहां पर मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा। यहां पर जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो एक्चुअली में यू नो आई एक्सपीरियंस इट, हाउ इट एक्चुअली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर आप डिस्कवरी आपको प्लान करना है, बट आप सोच के ही डरते हो कि डिस्कवरी करूंगा तो क्या हो जाएगा, बिकॉज उसकी प्रॉपर फ्रेमवर्क, उसका प्रॉपर आर्किटेक्चर लेवल, कॉन्फ़िगरेशन लेवल को समझना बहुत जरूरी है। वहीं पर हम बात करेंगे मॉनिटरिंग सिस्टम की, डीएलपी के सिस्टम हेल्थ की, कैसे मॉनिटर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट। आपको मालूम है यू नो वी हैव नेटवर्क लेवल, ईमेल लेवल, वेब लेवल, एंड पॉइंट लेवल, ये सारे चैनल्स जो रहते हैं, इन सारे चैनल्स की भी पॉलिसीज होती हैं और इनके सब डिफाइंड कंपोनेंट्स रहते हैं, इनका प्रॉपरली चलना बहुत जरूरी होता है। कैसे हेल्थ चेक करते हैं, बहुत आसानी आसान तरीके से बात करूंगा। सो अभी मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले आई विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी, जहां पर हम नेटवर्क, ईमेल और एंड पॉइंट लेवल डिस्कवरी की बात करेंगे। दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डीएलपी का 9th वीडियो है, 9th सीरीज है। आप वीडियोस को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, ताकि मुझको पता चलेगा कि मेरे को इसके वीडियोस और बनाने चाहिए और हाउ इट इज गोइंग टू बी कंक्लूडेड, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए कि प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ऑलराइट, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डीएलपी डिस्कवरी, जहां पर हम कंप्लीट कॉन्फिगरेशन देखेंगे कि डेटा डिस्कवरी कैसे होता है और हाउ वी एक्चुअली क्रिएट द यू नो डिफरेंट डिफरेंट डेटा डिस्कवरी टास्क। वहीं पर हम दूसरी ओर बात करेंगे कि डीएलपी का मॉनिटरिंग जो चैनल रहता है कैसे वर्क करता है, हाउ यू एक्चुअली यू नो फोकस ऑन मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्थ, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट हाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई डिस्कवरी एसेंशियल टू इंप्लीमेंट डीएलपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जब आप यू नो क्रिएट कोई भी पॉलिसीज क्रिएट करते हो, जहां पर आपका यू नो यूजर्स ऑफन मेक्स द कॉपी सेंसिटिव फाइल्स एंड रीलोकेट डैम, और कॉपी और पेस्ट करते हैं सेंसिटिव डेटा को इन टू द लोकलाइज डॉक्यूमेंट्स, नेटवर्क लेवल पे करते हैं, फाइल शेयर लेवल पे करते हैं। तो ये जो डिस्कवरी रहती है ये बेसिकली अलाउज करती है आपको टू सिक आउट एंड आइडेंटिफाई लोकेशंस ऑन द नेटवर्क वेयर सेंसिटिव डेटा इज लोकेटेड, एंड ये आपको प्रोवाइड करता है रेमिडिएशन जो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो, राइट। सो वहीं पर वही चीज यहां पर बता रहा है कि स्पेसिफाई लोकेशन करता है और आपको नेमिंग कन्वेंशनल देता है। यूजर्स कैन ऑल्सो जो कॉपी करते हैं, रीलोकेट फाइल्स करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, वो सारी सारी इंफॉर्मेशन को इजिली हम डिस्कवरी के थ्रू यू नो कैच आउट कर सकते हैं। वी कैन इजिली फाइंड आउट इन द लॉग्स एंड इन द इंसिडेंट्स। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ द एंड पॉइंट डिस्कवरी, नेटवर्क डिस्कवरी द कंप्लीट चैनल रहता है जहां पर हम डिस्कवरी करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑपरेशंस टर्मिनोलॉजीज को। तो जब टर्मिनोलॉजीज को बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, डिस्कवरी स्कैनिंग जो टारगेट करती है वो करती है फाइल्स पे करती है, डेटाबेस होगा आपका, क्लाउड की कोई भी सर्विसेज हो गई, आपकी जो फाइल्स हो गई या फाइल सर्वर हो गए, इसके जो मेटा डेटा रहते हैं, उसके मेटा डेटा लेवल्स रहते हैं, क्लासिफिकेशन के लेवल्स रहते हैं, तो इस सब चीजों को क्या करेगा, स्कैनिंग करता है। डिस्कवरी पॉलिसी जो रहती है, फिर से डिस्कवरी पॉलिसी किसी सोर्स या डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो एक टास्क क्रिएट करता है थ्रू द क्रॉलर जो बताता है कि वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई स्पेसिफिक पॉलिसीज, राइट। सो फोर्थ पॉइंट हैज टू टाइप्स ऑफ डिस्कवरी टास्क, ये हमको याद रखना चाहिए। एक तो नेटवर्क लेवल डिस्कवरी टास्क होता है और एक एंड पॉइंट लेवल डिस्कवरी टास्क होता है। ओके, एंड पॉइंट लेवल मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि वो कैसे करते हैं। डिस्कवरी के कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, जैसे स्कैन ऑल कंप्यूटर्स इन नेटवर्क टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, या स्कैन इधर लोकल फाइल्स देखना, या फिर ऑनलाइन शेयर शेयर पॉइंट साइट्स रहती है टू लोकेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड यू नो कस्टमर एक्सेट्रा। बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है,
आपको जो एंड पॉइंट रहेगा वो परफॉर्म करेगा, लोकल फाइल डिस्कवरी करेगा, मतलब आपके ढेर सारे मशीन से उस पर वो क्या करेगा, रन करेगा। जैसे आपने एक एक्सेल दे दिया, वर्ड डॉक्यूमेंट दे दिया जिसका नाम एक्स वाई जेड है, वो एक्स वाई जेड पे ही फॉलो करेगा कि कहां पर वो पर्टिकुलर फाइल है विच कंटेन्स यू नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन विच आई एम लुकिंग लुकिंग फॉर। सो जो कितना इंपॉर्टेंट है, किसी यूजर के मशीन पे थाउजेंड ऑफ फाइल्स पड़ी है, बट आपको एक क्रिटिकल फाइल्स उसके मशीन से लेनी है, यू कैन डू दैट। एज वेल एज फाइल सर्वर जो रहते हैं आपके नेटवर्क लेवल पे, वहां पर क्रिटिकल फाइल पड़ी है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द डिस्कवरी। सो यहाँ पर एंड पॉइंट हो गया, नेटवर्क हो गया, सर्वर लेवल की जो डिस्कवरीज होती हैं, तमाम हर प्रकार की आप डिस्कवरी कर सकते हो जहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यू नो हाउ डीएलपी ब्रेक्स डाउन डिस्कवरी टास्क इनटू अ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पर, जहां पर बात करूंगा नेटवर्क डिस्कवरी की। सबसे पहले जब नेटवर्क डिस्कवरी की मैं बात करता हूँ तो वहां पर मैं बात करता हूँ फाइल डिस्कवरी की, डेटाबेस डिस्कवरी की और ईमेल डिस्कवरी की बात करता हूँ। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो कि नेटवर्क डिस्कवरी टास्क मैं कैसे क्रिएट करता हूँ। फाइल डिस्कवरी हो गया, नेटवर्क ईमेल हो गया, जिसपे आप फाइल सिस्टम टास्क, शेयर पॉइंट साइट एक्सेट्रा, लोटस टोमिनोज बना सकते हैं। जैसे आप प्रिसाइसली अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं यार, फाइल डिस्कवरी की हम जब बात करते हैं तो वो क्या करेगा, आपका फाइल डिस्कवरी जो रहेगी, जैसे नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फाइल्स रहेगी, जैसे चाहे वो शेयर पॉइंट हो, लोटस की फाइल्स हो या फिर शेयर ड्राइव की कोई फाइल हो, वहीं पर डेटा डिस्कवरी की जब बात करता हूँ तो वो डेटा डिस्कवरी क्या करेगा, डेटाबेस के कुछ वर्ड्स जैसे ओडीबीसी ड्राइवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म और एनी कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, मतलब जो भी आप यू नो वैल्यू दे रहे हो, जो आप पॉलिसीज में वैल्यू दे रहे हो वो पर्टिकुलर करेगा। द एजेंडा इज टू जस्ट लेट यू नो दैट फाइल लेवल डिस्कवरी, डेटाबेस डिस्कवरी, ईमेल लेवल डिस्कवरी और नेटवर्क लेवल डिस्कवरी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद ईमेल डिस्कवरी जो रहती है, वहां पर एक्सचेंज सर्वर, आउटलुक फाइल्स, देखिए इस सारी की सारी आप यू नो परफॉर्म कर सकते हैं स्कैनिंग। नेटवर्क डिस्कवरी की जो रहेगी तो वो क्रॉलर बेस्ड चलता है, जो क्रॉलर एजेंट रहता है ना वो करेगा, वो जो बेसिकली एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड ऑन स्पेसिफिक फाइल टाइप एंड फोल्डर्स पे वो वर्क करते हैं। डोंट वरी, ये थ्योरी बताना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बताऊंगा ना एवरीथिंग इज वेरी वेरी मच क्लियर। अब एंड पॉइंट डिस्कवरी की बात करते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट डिस्कवरी में क्या रहता है, मोटा मोटा आपको यार बता देता हूं मैं, टास्क कैन बी यू नो अवेलेबल रहेगा ऑन स्पेसिफिक वन, मतलब या तो सारे मशीन के लिए रहेगा या कुछ स्पेसिफिक मशीन पे रहेगा, ठीक है, और उस पर आप टाइम स्केड्यूल करते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या स्कैन करना है। एंड पॉइंट डिस्कवरी स्कैन की जब बात करता हूं तो लास्ट कब स्कैन हुआ था उस टाइम फ्रेम के आगे आप स्टार्ट कर सकते हो या उसको ओवरराइड भी कर सकते हो, राइट। सो ये रहता है टू प्रिवेंट दिस चेक, प्री रिजर्व ओरिजिनल एक्सेस टाइम एंड फाइल एक्सेस टाइम टाइम स्टैम्प टास्क। यार आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एंड पॉइंट लेवल डिस्कवरी अगर मैं कर रहा हूं तो एंड पॉइंट लेवल डिस्कवरी पर्टिकुलर मशीन ने कहां पर डिस्कवरी को यू नो लास्ट स्कैन हुआ था उसके आगे को मैं स्कैन करवा सकता हूँ। दिस इज इट जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड यू विल बी सीइंग व्हेन वी विल डूइंग द प्रैक्टिकल फॉर द एंड पॉइंट डिस्कवरी टास्क। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गिवन अबाउट। तो जब आप यू नो कोई पर्टिकुलर स्कैन करते हो, आप यू नो व्हेन यू कॉन्फिगर सेटिंग इन द टास्क जब कर सकते हो, उसको करने के लिए यू रिक्वायर राइट एक्सेस ऑन अ स्कैन फोल्डर, कोई पर्टिकुलर जो स्कैन लोकेशन रहेगी उस लोकेशन पे आपको जाके अपना फोर्थ पॉइंट डीएलपी सर्विस अकाउंट वहां पर डालना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट गेट इनटू द शेयर साइट और स्कैन लोकेशन एंड डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दैट। देर सर्टन पैरामीटर्स विच वी नीड टू फॉलो। यहाँ पर आपका जो फोर्थ पॉइंट डीएलपी सर्विस अकाउंट रहता है, यू शुड ऑलवेज यूज दैट। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, यहां पर हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इन शॉर्ट में आपको बताया था, पूरा इंग्लिश समझने की जरूरत नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि आपके एनवायरनमेंट पे लार्ज नंबर ऑफ डेटा इज बीइंग स्कैन्ड एंड कॉपीड, सो इट इज वेरी यू नो रिसोर्स इंटेंसिव। द बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी टू स्केड्यूल अ डिस्कवरी टास्क टू रन एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, रादर देन एट द पीक टाइम। तो आप उस के अकॉर्डिंगली इसको स्कैन कर सकते हो, और उसके अलावा आप टू टाइप्स ऑफ यू नो स्कैनिंग हो सकती है, या तो आप ले सकते हो टीसीपी और आईसीएमपी स्कैनिंग ले सकते हो। आईसीएमपी थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन फायरवॉल पे इसके अलर्ट ट्रिगर होंगे, तो
प्रेफरेबल है रहता है कि आप टीसीपी यू नो डिस्कवरी स्कैनिंग ले फॉर फाइल सिस्टम सच एज नेटवर्क लेवल पे जो भी आप चेंजेस स्कैनिंग करवाते हैं। ओके ग्रेट। अभी मैं देखो दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि जो हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे डिस्कवरी की वो कैसे क्रिएट होती है और एंड पॉइंट डिस्कवरी टास्क कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले नए लेवल पे मैं कॉन्फिगर करता हूँ एक पॉलिसी, प्री डिफाइंड डिस्कवरी पॉलिसी बनाता हूँ। ये डिस्कवरी पॉलिसी इज डिफरेंट देन द डीएलपी लेवल जो डिस्कवरी जो डीएलपी लेवल पॉलिसीज रहती हैं। सो यहाँ पर मैं डिस्कवरी पॉलिसीज पे जाता हूँ, आप देख सकते हो डिस्कवरी पॉलिसी पे, और क्लिक ऑन मैनेज पॉलिसी। मैनेज पॉलिसी पे मैं ऐड करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं नया पॉलिसी बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल से नया पॉलिसी होने वाला है। यहाँ पर मैं करता हूँ प्री डिफाइंड पॉलिसी पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा यूएसए लेवल का यू नो रीजन है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। इंडस्ट्रीज जो रहेगी मैंने इसको हेल्थ केयर रखा है क्योंकि फार्मा हेल्थ केयर एजुकेशन से रिलेटेड है मेरा, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरी पॉलिसी रेडी हो गई, मैं फिनिश करता हूँ। तो ये तो मैंने सिंपली अभी क्या किया, प्री डिफाइंड डिस्कवरी पॉलिसी बना दी है। यहाँ पर जहां पर आप देख सकते हो कि यू नो जो पॉलिसी टेम्पलेट है वो मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ और आई विल बी यूजिंग दिस पॉलिसी ओनली, तो मैं क्लिक करता हूँ यूज पॉलिसी। ठीक है, डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ ताकि ये पॉलिसी मेरी, अभी मैं नो, ये नो पे करता हूँ क्योंकि मैं अभी मेरे को टास्क भी क्रिएट करता हूँ, एंड पॉइंट डिस्कवरी टास्क बनाता हूँ, लेट्स क्रिएट इट। सो यहाँ पर मैं एंड पॉइंट डिस्कवरी टास्क बनाता हूँ, आई क्लिक ऑन डिस्कवरी पॉलिसीज एंड आई जस्ट गो टू द एंड पॉइंट डिस्कवरी टास्क। ओके, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर सर्टेन इन्फॉर्मेशन मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। ओके, जैसे मैं सबसे पहले डिस्कवरी टास्क पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे को नेम देना रहेगा जो मेरे को टास्क क्रिएट करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ आउट ऑफ प्लेस पीएचआई। ठीक है, फार्मा से रिलेटेड है मेरा। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो एंड पॉइंट होस्ट मेरे को देना है। एज ऑफ नाउ आई सेलेक्ट ऑल, दिस इज फॉर ऑल। ओके, नाउ आई क्लिक ऑन स्केड्यूलर, तो यहाँ पर वीकली रखता हूँ मैं स्कैन। जब देख सकते हो कि क्रिटिकल जो दिखा रहा है मेरे को डार्क में ब्लू में वो स्कैन पे है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आई लीव इट फॉर नाउ, ऑल डिस्कवरी पॉलिसीज रखता हूँ मैं यहाँ पर एंड देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर फिल्टर टाइप, तो फिल्टर टाइप मैं सेलेक्ट करता हूँ, आई जस्ट क्लिक हियर टाइप फाइल टाइप्स, और यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स ले, तो मैं चाहता हूँ कि ऑफिस डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो स्कैन होना चाहिए सारे मशीन पे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी, फॉर मी दीज ऑल आर सेंसिटिव लाइक वाइज, एंड नाउ आई क्लिक ऑन फिनिश, माई पॉलिसी रेडी, आई क्लिक ऑन डिप्लॉय। यहाँ पर पॉलिसी डिप्लॉय हो गई, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया स्टेटस मेरा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ डिस्कवरी रिपोर्ट जनरेट करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं रिपोर्टिंग पे जाऊंगा। रिपोर्टिंग में जाने के बाद आई एम जस्ट गोना शो यू डिस्कवरी रिपोर्टिंग यू नो कैसे चेक करते हैं और एग्जैक्टली उसके रिलेटेड इंसिडेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन डिस्कवरी एंड आई क्लिक ऑन डैशबोर्ड, डिस्कवरी डैशबोर्ड। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट यूएस पीएचआई फॉर डिस्कवरी क्रिएट है, हेल्थ डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मिल रही है, यू नो टॉप पॉलिसीज इतनी है, और मैं क्लिक करता हूँ उस पर तो इंसिडेंट्स मेरे को मिल जाते हैं। आप देख लीजिए कि क्या पॉलिसीज है मेरी और उस पॉलिसी से रिलेटेड आप रूल्स देख सकते हैं कि यूएस पीएचआई मेडिकल के थ्रू ये आया है, एंड फाइल्स नेम दिखा रहा है, फोल्डर्स नेम दिखा रहा है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, सो ये पूरा बता दिया मैं कॉन्फिगर कैसे करते हैं इसको डिस्कवरी को, यू नो पॉलिसी हम बनाते हैं और कैसे हम एंड पॉइंट डिस्कवरी टास्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम इस पे। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हेन यू क्रिएट अ डिस्कवरी स्कैन। ठीक है, डिस्कवरी स्कैन हमने पढ़ लिया होता क्या है, टास्क वगैरह सब देख लिया। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हेन यू क्रिएट अ डिस्कवरी स्कैन यू मस्ट कंसीडर हाउ इट विल अफेक्ट योर नेटवर्क, आपको मालूम है, एंड मैच द इश्यू बिलो विद द रेजोल्यूशन। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हाई बैंडविड्थ यूजेस होगा, डिस्कवरी इज रिसोर्सेस इंसेंटिव, आईसीएमपी में ट्रिगर्ड फायरवॉल अलर्ट, आप देख सकते हैं स्केड्यूल टास्क टू रन एट डिफरेंट टाइम, लोकेट क्रॉलर
टू यू नो क्लोज टू स्कैन डेटा एंड यूज। सो आप इसको समझिए कि एग्जैक्टली यू नो क्या इश्यूज हो सकते हैं, किस लेवल पे। ऐसा नहीं कि यू प्रिपेयर्ड एंड यू आर गुड टू गो। यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड यू नो द डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो सिचुएशंस एंड व्हाट वुड बी द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पे प्रॉब्लम जनरली कुछ नहीं आती है। व्हेन यू आप टेस्टिंग करते हो तो स्मॉल टेस्टिंग से स्टार्ट करते हो एंड देन यू टेक इट फर्दर अहेड। ऑलराइट, नाउ अभी हमने डिस्कवरी की बात करी है, तो डिस्कवरी में मैंने आपको एंड पॉइंट लेवल की डिस्कवरी बता दिया क्योंकि हमारे पास डीएलपी का एजेंट था, तो एंड पॉइंट लेवल डिस्कवरी हमने बात कर दी। अगर हमको समझना है नेटवर्क लेवल डिस्कवरी, जो नेटवर्क लेवल जो यू नो वी डू दैट, तो और एंड पॉइंट लेवल पे कैसे डिस्कवरी करते हो, मतलब आपके लोकेशन पे एनीवेयर कहीं पर भी लोकेशन होती है और जहां पर आपका एजेंट इंस्टॉल है, यू कैन डू दैट। बट उसके अलावा एडिशनल कंपोनेंट्स होता है जिसको बोलते हैं नेटवर्क डिस्कवरी। नेटवर्क डिस्कवरी जो रहती है, जिसके लिए अलग से एक सर्वर परचेस करना पड़ता है, लाइसेंस बेस्ड, राइट। वो नेटवर्क लेवल पे पूरे नेटवर्क पे आपका, चाहे वो प्रिंटर्स हो या फिर आपका स्विचेस और राउटर्स, एनी वेयर, आई मीन वेर एवर इट इज एप्लीकेबल, इट डज द स्कैन। बिकॉज एंड पॉइंट जो डीएलपी एजेंट है उसकी एक लिमिटेशन रहती है, बट इट एक्चुअली डज द फाइल लेवल डिस्कवरी एंड द एंड पॉइंट लेवल डिस्कवरी विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्कवरी पार्ट। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टेड। एंड अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो डीएलपी में, तो ये तो आप रॉक कर दोगे अगर इतना समझ लिया। दैट्स मोर देन सफिशियंट। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्थ की। सो हाउ डज फोर्स पॉइंट डीएलपी इनेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मॉनिटर सिस्टम हेल्थ, कैसे करता है वो, राइट। क्या क्या पैरामीटर्स के ध्यान रखना पड़ता है। सो आप उसमें यू नो सेंट्रलाइज सिस्टम हेल्थ डायग्नोस्टिक की बात करते हो, रिपोर्टिंग की बात करते हो, सिस्टम कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी की बात करते हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करते हो, कॉन्फिगरेबल सिस्टम लॉग्स होते हैं उसमें, बैकअप टास्क होते हैं, कंट्रोल वाइज सिक्योरिटी जो मैनेजर्स रहते हैं, उसके अलावा आपके फॉरेंसिक डेटा रहते हैं। देखिए ये सुनने में बहुत बोरिंग या फिर ऐसा लग सकता है, बट यही डीएलपी की जान है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। और मैं इतनी आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप समझिए, आपका डीएलपी है, डीएलपी में आपको जहां पर यू नो जब मॉनिटर की बात करते हैं, तो मॉनिटर आपका हेल्थ कैसे होगा, कंप्लीट हेल्थ चेक व्हेन यू नो डीएलपी डैशबोर्ड में देख सकते हो, जहां पर आपका रेगुलर ऑब्जर्वेशन रहेगा ऑफ योर रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ ईच सिस्टम कंपोनेंट व्हिच इज यू नो व्हिच इज पॉसिबल। हाईली कॉन्फिगरेबल लॉग्स आप देख सकते हो, सिस्टम अलर्ट्स देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स की एक्टिविटीज देख सकते हो, आप कंप्लीट नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हो, यू कैन प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स फंक्शंस, बैकअप टास्क स्केड्यूल कर सकते हो जो कंप्लीट यू नो एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में रहेगा, एंड फॉरेंसिक डेटा रेडी कर सकते हो, आप डीएलपी के इंसिडेंट दे सकते हो। यही तो डीएलपी है, यही तो मेन डीएलपी कोर है, राइट। तो आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम हेल्थ डैशबोर्ड की, राइट। तो यहाँ पर क्या रहा, आपको मालूम है आप जब डेटा पे जाते हो फोर्थ पॉइंट पे लॉगिन करके, मेन सेटअप सिस्टम हेल्थ पे जाते हो, तो वहां पर आपको सीपीयू से रिलेटेड मिलता है आपको, जहां पर आपको सीपीयू यूजेस, सिस्टम समरी, मेमोरी यूजेस मिलता है, फिंगरप्रिंट्स, रिपोजिटरी, एंड पॉइंट सर्वर, पॉलिसी इंजन, ओसीआर रिलेटेड डिटेल्स। जब हम प्रोटेक्टर्स की बात करते हैं तो पॉलिसी इंजन, फिंगरप्रिंट्स, रिपोजिटरी। तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलती है, जहां पर वाइल द फोर्थ पॉइंट सिक्योरिटी मैनेज विल ऑलवेज शो द इंफॉर्मेशन ऑफ द यू नो फॉर द प्राइमरी फिंगरप्रिंट्स, रिपोजिटरी, सप्लीमेंटरी सर्वर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। सो ये रहता है सिस्टम हेल्थ डैशबोर्ड का बेनिफिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके अलावा सस्टेन हाई यूजेस, आप एग्जैक्ट कितना यूजेस हो रहा है आपको उसकी मिल जाती है, मतलब वेन यू स्केड्यूल टास्क, जब आप कोई टास्क स्केड्यूल करते हो, डिस्कवरी टास्क करते हो, तो इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस यू नो बढ़ेगा, बिकॉज इट जस्ट कीप ऑन स्कैनिंग द डेटा, ठीक है ना। तो परसेंटेज कैन पीक हो जाए, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं होता अनलेस दे यू नो एक्सीड द कैपेबिलिटीज ऑफ द सर्वर। तो ये तो रहेगा, आपको उसमें सीपीयू के या मेमोरी की 90 to 100% भी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सो दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड डीएलपी एंड यू नो वॉट चेंजेस यू आर डूइंग, यू विल यू मच फैमिलियर विथ इट एंड यू कैन इजली वर्क अपॉन इट। आप एक लिमिटेड पीरियड पे
when you are not creating any policies, none of the users are violating the policies, sab relax hai, aap us time pe scanning kar sakte ho. This is how the coordination should be there, right? In order to reduce the sustained high usage. ठीक है, सो पूरा रेगुलर सिस्टम के बारे में दिया है, क्या क्या यू नीड टू कीप इन माइंड दैट स्पाइक इन यूजेस आर टू बी एक्सपेक्टेड एज पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन. ये नॉर्मल ऑपरेशंस में आता है. व्हेन यू स्केड्यूल अ टास्क, राइट, टास्क बिगिन जब होता है तो मेमोरी एंड सीपीयू परसेंटेज कैन बी एक्सीडेड टू पीक आवर्स, राइट. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस व्हेन इट शुड बी डन एंड व्हेन इट शुड नॉट बी डन, एंड इफ इट इज डन, that's absolutely fine, right? There are certain parameters which you can follow. This is the best practice which I am explaining you. You need to understand it. उसके अलावा हम next बात करते हैं policy engine की. So policy engines में, जैसे policy engine जो रहता है उसमें आपका analysis system रहेगा जहां पर load over time होगा, file fingerprint sync status देखना पड़ेगा आपका कि policy engine was out of sync with the repository. डेटा यूजेस नंबर विथ एनालाइज इवेंट देखना पड़ेगा, डेटा यूजेस विथ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स देखना पड़ेगा, डेटा डिस्कवरी नंबर्स ऑफ एनालाइज आइटम्स देखना पड़ेगा, डेटा डिस्कवरी नंबर्स ऑफ इंसिडेंट्स देखना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव डीएलपी मेमोरी कंजम्पशन. भाई ये पॉलिसी इंजन्स के अंदर रहता है ये सारा का सारा. ये सारा पॉलिसी इंजन्स की के बारे में बता रहा हूँ जिसमें सिस्टम कंपोनेंट्स एंड सिस्टम हेल्थ डैशबोर्ड जो आपको बताता है ओनली पॉलिसी इंजन्स के बारे में. उसके बाद आ जाता है आपका फिंगरप्रिंट रिपोजिटरी. तो फिंगरप्रिंट रिपोजिटरी में क्या करोगे, सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस, नंबर ऑफ फिंगरप्रिंट्स फाइल्स, नंबर ऑफ यूनिक फिंगरप्रिंटिंग डेटाबेस सेल्स, ये सारे का सारा आप देखोगे. ओके, उसके अलावा एंड पॉइंट सर्वर रहेगा तो एंड पॉइंट सर्वर में सर्वर लोड देखोगे आप, नंबर ऑफ एंड पॉइंट रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्स इन द सिलेक्टेड टाइम फ्रेम. ये सारा डोंट यू थिंक यू रिक्वायर दिस काइंड ऑफ एनालिसिस. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको अगर समझते हो आप एक्चुअली यू विन द डीएलपी. आपको हर चीज मालूम है इसके अंदर. दिस इज हाउ द कोर लेवल और द ब्लूप्रिंट लेवल विच वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड. उसके अलावा ओसीआर सर्वर की हम बात करते हैं तो ओसीआर सर्वर में आपको मालूम है ओसीआर के बारे में, राइट, ओसीआर फंक्शनैलिटी के बारे में. तो उसका क्यू लोड क्या है, नंबर ऑफ टेक्सुअल रिक्वेस्ट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट विच वी आर रिसीविंग एंड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड इन द सेलेक्टेड टाइम फ्रेम, नंबर ऑफ टाइम आउट काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द सेलेक्टेड टाइम फ्रेम दैट वर अनेबल टू बी कंप्लीटेड. तो ये सारी चीजें ओसीआर के अंदर आ जाती हैं. वैसे ही प्रोटेक्टर्स रहते हैं, आपका ईमेल प्रोटेक्टर्स रहते हैं जहां पर पैकेट लॉस एंड ड्रॉप ट्रांजेक्शन इंडिकेशन आपको मिलता है, नंबर ऑफ इवेंट्स सेंड टू द सेंड फॉर द एनालिसिस, लोड एवरेज कितना है, द टाइम एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क दैट सिस्टम परफॉर्म ओवर द सेलेक्टेड टाइम फ्रेम, मेमोरी यूसेज क्या है उसका, उसका थ्रूपुट क्या है, व्हाट इज द डेटा सेंट टू एनालिसिस थ्रूपुट, वो आपको समझना रहेगा अंडर ईमेल प्रोटेक्टर, डीएलपी प्रोटेक्टर, राइट. सो दिस इज अबाउट द मॉनिटरिंग कंपोनेंट, राइट, जहां पर आप समझते हो कि प्राइमरी डीएलपी सिक्योरिटी जो मैनेजर्स रहते हैं उसके लॉग्स क्या रहते हैं, फाइनली जहां पर आप डेटा मेन अनलॉग्स के अंदर जाते हैं तो वहां पर ट्रैफिक लॉग्स मिलता है, सिस्टम लॉग्स मिलता है और ऑडिट लॉग्स मिल जाता है आपको. ट्रैफिक लॉग्स की हम जब बात करते हैं वहां पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक लॉग्स प्रोवाइड करता है जितने भी गेटवेज हैं, जितने भी एजेंट्स हैं एंड एंड पॉइंट्स हैं, उसका पूरा पूरा ट्रैफिक कितना एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी सारी की सारे ट्रैफिक मॉनिटरिंग लॉग्स आपको मिलेंगे. ठीक है ना, सिस्टम लॉग्स में देखते हैं कि डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम एक्शंस एंड हेल्थ अलर्ट्स फॉर फोर्स पॉइंट कंपोनेंट. सिस्टम लॉग्स आर रिटेन फॉर 60 डेज, वो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट ये सिस्टम लॉग्स के अंदर आ जाता है. ऑडिट लॉग्स जो रहता है, ऑडिट लॉग्स क्या करता है, इट एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो ऑडिट लॉग्स में मिल जाता है. डोंट यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आपको यहाँ दिख रहा है सिस्टम लॉग्स के बारे में दिखाया है. अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपको ट्रैफिक लॉग्स की, राइट. सो ट्रैफिक लॉग्स में जैसे कि मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप रेगुलर एक्सप्रेशन
you are just adding a regular expression latency column, which can help you to identify if you have regular expression that are taking an inordinate amount of processing time. अगर वो ज्यादा time लगा रहा है तो उसकी information आपको traffic log में मिल जाएगा, right? So you can click update now to poll all register system component and refresh कर सकते हो log page with the most current data. ट्रैफिक लॉग्स में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, सारा सारा ट्रैफिक से रिलेटेड, और वही ट्रैफिक लॉग कन्वर्ट होता है आपका इंसिडेंट्स लॉग, जो आपको इंसिडेंट्स मिलते हैं. अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो आपको इंसिडेंट नहीं मिलेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको इंसिडेंट आ रहे हैं लेकिन ट्रैफिक लॉग्स नहीं आ रहे. यू विल ऑलवेज गेट द ट्रैफिक लॉग्स बट यू मे नॉट गेट द इंसिडेंट लॉग. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम लॉग्स की. तो सिस्टम लॉग्स में आप देख सकते हो किसी प्रकार की वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन आपको देना है सिस्टम से रिलेटेड, बैकग्राउंड फंक्शनैलिटी से रिलेटेड, राइट? सो वो सारा आपको सिस्टम लॉग्स में मिलता है. ऑडिट लॉग्स में जैसे मैंने बताया, यू मेक एनी चेंजेस, स्मॉल चेंजेस करते हो पॉलिसीज में, एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या कर रहा है मशीन्स पे, यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन एट दैट लेवल. सो आपको पूरा का पूरा यू नो यूज डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट टू मेक द ऑडिट लॉग्स अ मोर प्रैक्टिकल टूल. तो ऑडिट लॉग्स की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव. ओके, फिर उसके बाद डीएलपी सिस्टम अलर्ट्स रहते हैं. ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, आई एम बैक. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द डीएलपी सिस्टम अलर्ट्स की, जहां पर डीएलपी सिस्टम अलर्ट्स आर कॉन्फिगर्ड, यू नो कॉन्फिगरेबल ईमेल, मतलब जहां पर आप कॉन्फिगर कर सकते हो उसको. You can see about the email about the specific system logs, okay? System logs item which will be automatically sent to the configure recipient. बहुत सही रहता है, मतलब ये alerts देख सकते हो, कुछ subscriptions related, policies updates, number of discovery events related, archive forensic disk space, ये सारे के सारे आप DLP system alerts configure कर सकते हो under data setting general and alerts के अंदर, ठीक है? इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू डिस्क्राइब यू फर्दर. उसके अलावा डीएलपी बैकअप के बारे में बात करते हैं. तो जब हम बैकअप की बात करते हैं, सो डेटा सेटिंग जनरल में जाके बैकअप का रहता है. तो बैकअप क्या है एग्जैक्टली? डीएलपी बैकअप टास्क स्केड्यूल फॉर विंडोज टास्क स्केड्यूलर, ठीक है? सो द टास्क नेम, जो टास्क नेम रहता है, ये रहता है वेबसेंस ट्रीट्रॉन एपी डेटा बैकअप करके रहता है. सो आप उसको कर सकते हो, मैं उसको आपको डिटेल में बताता हूँ. यहाँ पर आप बैकअप देख सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन यू कॉन्फिगर द बैकअप यूज यूएनसी फॉर्मेट टू एंटर द फोल्डर पाथ देना रहता है, टू इंश्योर द क्रेडेंशियल यू प्रोवाइडेड, एंड बैकअप की जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, बैकअप इज टू नॉट इंक्लूड इंसिडेंट फॉरेंसिक, द फॉरेंसिक रिपोजिटरी यू नो ट्रेंड टू बिकम वेरी लार्ज, काफी बड़ा होता है, इसलिए हम वो उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो बैकअप रहता है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है, ठीक है? सो उसका जो प्रिसाइज ऑर्डर रहता है, जैसे चेक सेटिंग्स रहती है, वैलिडेट फाइल पाथ, बैकअप सर्टिफिकेट्स एंड की इन्फॉर्मेशन रहती है. अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार बैकअप के अंदर क्या क्या रहते हैं, यू शुड बी एबल टू आंसर. एटलीस्ट कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैकअप सर्टिफिकेट्स एंड कीज होती है, बैकअप की यू नो ऑल द पॉलिसीज इंक्लूडिंग कस्टम पॉलिसीज एंड यू नो द कस्टम एक्सट्रैक्टेड, जो भी पॉलिसीज रहती है वो रहता है, बैकअप फिंगरप्रिंट्स रहता है, बैकअप क्रॉलर टास्क रहता है, डेटाबेस रहता है आपका कंप्लीट, फॉरेंसिक कंडीशनल अगर रखते हो फॉरेंसिक तो, मैनेजर्स जो भी फाइल्स रहती है, बैकअप क्रॉलर्स एक्सेट्रा रहता है, ये सारी की सारी उसके अंदर डिटेल्स रहती है जो आप कॉन्फिगर कर सकते हो, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि व्हेन यू रिस्टोरिंग अ बैकअप द वर्जन ऑफ फोर्स पॉइंट डीएलपी मस्ट बी आइडेंटिफाई, ठीक है ना? अगर आपका जो डीएलपी है अभी करंट डीएलपी है, तो वो डीएलपी आप 8.0 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? एंड आपका जो बैकअप है, मतलब 9.0 आपका फोर्स पॉइंट डीएलपी आप यूज कर रहे हो, और आपका 9.0 का ही बैकअप है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. बट आप डीएलपी को अपग्रेड कर देते हो, जब अपग्रेड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटाबेस रहता है वो भी अपग्रेड होता है और बैकअप भी अपग्रेड हो जाता है. लेकिन इन केस ऑफ रिस्टोरेशन, अगर कल को आपको रिस्टोरेशन करना पड़े, तो जो रिस्टोरेशन है, यू हैव टू मेक श्योर कि एट द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन आपका जो डीएलपी का बैकअप हुआ था, उस डीएलपी का वर्जन क्या था, और अभी जब रिस्टोर कर रहे हो तो उस डीएलपी का वर्जन क्या, इट शुड बी सिमिलर, तभी वो चलता है और जनरली सिमिलर रहता है. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस. ओके,
यही बता रहा हूं मैं कि टास्क, बैकअप टास्क विल बी रन थ्रू अ सीरीज ऑफ टास्क, जिसमें बताया इन इन अ प्रिसाइज ऑर्डर, व्हेन द टास्क इज कंप्लीट द बैकअप विल बी क्रिएटेड इन द फोल्डर स्पेसिफिक इन द सिक्योरिटी मैनेजर्स, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जब आप कॉन्फिगर एंड परफॉर्म डीएलपी बैकअप टास्क करोगे, जहां पर यू नो यू विल बी टेकिंग अ बैकअप ऑफ द फोर्स पॉइंट डीएलपी सिस्टम, ठीक है, जहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप फोल्डर क्रिएट करती हो बैकअप लोकेशन की, आप कैसे कॉन्फिगर करते हो बैकअप के टास्क को फ्रॉम द सिक्योरिटी मैनेजर्स, और कैसे आप विंडो टास्क शेड्यूलर को टास्क को शेड्यूल करते हो एंड रन करते हो बैकअप को, ताकि आपका बैकअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो यहां पर आप देख सकते हो फोर्स पॉइंट डायरेक्टरीज के अंदर मेरा बैकअप फोल्डर है। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो आप देखोगे कि यहां पर मैं मतलब पहले प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिक्योरिटीज पे जाता हूँ, फुल परमिशन है जो बाय डिफॉल्ट रहनी चाहिए, ठीक है। शेयरिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, ये पर्टिकुलर पाथ में रखता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मेरे को लगेगा। आई जस्ट कॉपी इट, ओके, मैंने इसको कर लिया। आप फोर्स पॉइंट पे जाता हूँ, ठीक है, और फोर्स पॉइंट पे जाने के बाद जनरल पे जाऊंगा और यहाँ पर बैकअप पे क्लिक करता हूँ। बैकअप पे पहले तो मैं पाथ दे देता हूँ, ये पाथ पे मेरे को बैकअप चाहिए, ठीक है। डोमेन यूजर नेम क्रेडेंशियल डाल दिया मैंने, एंड देन आई क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर मैं डू नॉट इंक्लूड फोरेंसिक करता हूँ, जो बहुत जरूरी है, फॉर मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, मेरे को फॉरेंसिक डेटा नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर चेंजेस सक्सेसफुली डन। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, टास्क शेड्यूलर पे जाता हूँ, और यहाँ पर जो टास्क शेड्यूलर है, यहाँ पर ये जो मेरे आप देख सकते हो कि एपी डेटा बैकअप है, इसकी डिसेबल है, इसको मैं इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद मैं रन करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टास्क शेड्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन ऑर्डर टू जनरेट द बैकअप, ठीक है। तो यहां पर अभी मैं बैकअप पे जाता हूँ और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि डीएसएस बैकअप और कुछ फाइल्स मेरे को दिख रही हैं, आप टाइमिंग भी देख सकते हो, यहाँ पर मेरे को उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, ऑल तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेरे को इजिली मिल जाती है, अवेलेबल है, मतलब मेरा बैकअप प्रॉपरली चल रहा है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, इफ आई व्हाटसोएवर एक्टिविटीज आई एम डूइंग और आई एम क्रिएटिंग द सर्टिफिकेट, आई एम क्रिएटिंग द पॉलिसीज, ऑल द एक्टिविटीज विल बी कैप्चर्ड अंडर द दिस बैकअप फोल्डर, एंड दिस इज हाउ इट इज बैकअप। और जब रिस्टोर करता हूँ, तो डेटाबेस रिस्टोर का जो टूल्स आता है या उसके थ्रू ऑप्शन रहता है, तो मैं सेम पाथ दे सकता हूँ बैकअप का, वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ग्रेट। सो दोस्तों, डीएलपी डिस्कवरी एंड मॉनिटरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ डीएलपी सिस्टम में हमने आज समझा कि डीएलपी डिस्कवरी, जहां पर हमने एंड पॉइंट एंड नेटवर्क लेवल डिस्कवरी समझी, कॉन्फ़िगरेशन किया, हमने टास्क क्रिएट किया, उसके बाद हमने मॉनिटर मॉनिटर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएलपी सिस्टम, जहां पर हमने वी हैव टेकन द बैकअप ऑफ द पॉलिसीज रूल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएलपी, हमने समझा कि एग्जैक्टली मॉनिटरिंग किस लेवल पे होती है, बहुत कुछ हमने समझने की यहाँ पर कोशिश की है। और ये 30-35 मिनट का वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है, ये आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर इसको आपने समझने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आया, इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो डीएलपी इंसिडेंट के ऊपर बनाने वाला हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और काफी लोगों की डिमांड रहता है कि मॉनिटरिंग कैसे की जाती है डीएलपी इंसिडेंट की, जहां पर हमारी ऑलमोस्ट डीएलपी की जर्नी एंड हो जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, थोड़ा पसंद आया होगा। अगर यस, तो प्लीज वीडियो को लाइक 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 करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट्स करिए। मैं ऐसे ही आपके वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए, और नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब मैं इजाजत देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा डीएलपी इंसिडेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे। Thank you.